हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग प्लस मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या प्याज भविष्य रहेगा, आगे चलकर प्याज का जो भाव है वह हमें कितना देखने को मिल सकता है और कब तक हमें देखने को मिलेगा, या फिर प्याज अपने किसान भाइयों के इसी प्रकार जिस प्रकार की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है इसी प्रकार जो है प्याज उत्पादक किसान भाइयों के जो है आंसू निकालते रहेगा। यही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए और मेरे अन्य किसान मित्रों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। किसान साथियों, जो भी इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि आप आगे भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे लाल अक्षर में सब्सक्राइब की बटन है, सब्सक्राइब की बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पास आई घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि हमेशा आपको इसी प्रकार की जानकारी देखने को मिलती रहे। तो किसान साथियों, अभी वर्तमान की जो प्याज किसान भाइयों की जो स्थिति है उस पर नज़र डालें तो क्या हमें देखने को मिल रही हैं। किसान साथियों, अगर वर्तमान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सभी प्याज उत्पादक राज्यों में जो है कि प्याज किसान काफ़ी मुश्किल में हैं। किसान साथियों, लागत तो दूर, भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। किसान साथियों, अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो सभी मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में, इंदौर, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, सभी मंडियों में यही स्थिति बनी हुई है कि प्याज किसानों की जो है लागत तो दूर ही दूर है, लेकिन किसान भाइयों जो घर से जो मंडी तक का जो किराया है, भाड़ा है, वो भी अभी वर्तमान में नहीं निकल पा रहा है। किसान साथियों, 25 पैसे किलो से लगाकर 3 रुपये 4 रुपये किलो तक की जो प्याज के जो भाव है यह बिक रहे हैं। किसान साथियों, वजह यह है कि बारिश, जहाँ दोस्तों बेमौसम बारिश होने की वजह से महाराष्ट्र और MP सहित अन्य उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में जो है कि बारिश हुई है, उसकी वजह से जो है नेफिट प्याज काफ़ी ख़राब हुई है। स्पॉट क्वालिटी की प्याज निकल नहीं पाई है, अच्छी क्वालिटी की प्याज नहीं होने के कारण जो है उने पौने दाम से जो है प्याज बिक रहे हैं। किसान साथियों, क्या आगे भी इसी प्रकार की स्थिति बनने वाली है, यही जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो किसान साथियों, आगे चलकर जो है स्थिति काफ़ी अच्छी सुधरने वाली है। किसान साथियों, आगे चलकर जो है प्याज की अगर बात करें किसान साथियों, तो अच्छे रेट हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों जिस प्रकार की अभी की जो मंडियों में जो क्वालिटी आ रही है, यानी कि ख़राब माल आ रहा है, वो जो जब तक जो है अभी मंडियों में आएगा, जिस प्रकार का जो माल अभी मंडियों में भीड़ भी देखने को मिल रही है, जब तक ये जो है कि दागी माल हमें देखने को मिलेगा, जब तक जो है प्याज के दाम हमें नहीं आगे जो है बढ़ते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अगस्त सितंबर और अक्टूबर, इन तीनों महीनों में जो है प्याज के जो है हमें आगे चलकर अच्छे रेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसान साथियों जब तक जो है कि जो भी प्याज ख़राब प्याज है, पानी लगा प्याज है, बारिश की वजह से जो सड़ रहा है प्याज मंडियों से निकल जाएगा, और जो स्टोरेज जिन किसान भाइयों ने किया है और जिनका टिकाऊ स्टोरेज रहेगा, वो आगे चलकर अच्छे जो है रेट हमें देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, बात कर लें अगस्त सितंबर और अक्टूबर की, तो किसान साथियों उसी समय जो है हमेशा हमें जो है प्याज के रेट बढ़ते हुए मंडियों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसान साथियों उसी समय जो है बारिश का दौर रहता है, और बारिश के दौर में जब जो है प्याज कहीं से भी नई फसल जो है निकलने की उम्मीद नहीं रहती है, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं इन तीनों महीनों में हमें प्याज के रेट अच्छे देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, जहाँ तक की बात की जाए निर्यात की, तो निर्यात जो है अभी बहुत ही कम जो है निर्यात किया जा रहा है, क्योंकि प्याज जो है निर्यात के काबिल मंडियों में जा ही नहीं रहा है, इस कारण जो अभी निर्यात रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही जून के बाद जो है अच्छे से जो है प्याज की जो क्वालिटी मंडियों में जाएगी और निर्यात भी हमें देखने को